बहुत ही कम टाइम में बनी, बहुत ही कम मसालों से बनने वाली कद्दू की ऐसी मजेदार सूखी सब्जी जिसे एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ कद्दू की सूखी सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज किया है और ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इस लजीज मजेदार कद्दू की सब्जी को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मैंने 1 kg 1 किलो कद्दू लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसके बीज वगैरह सब अलग करके ऐसे टुकड़ों में मैंने इसे कट कर लिया है। ये लिया है मैंने बघार लगाने के लिए 1/2 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon मेथी दाना और ये 3 छोटे साइज की लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने लिया है मसालों में 1.5 teaspoon 1.5 चम्मच नमक, 1/2 teaspoon अमचूर पाउडर, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह चिली पाउडर भी ले सकते हैं, और 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ही कम मसालों के साथ बना रही हूँ, कम मसालों के साथ ही ये बहुत ही मजेदार बन के तैयार होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनी हुई सब्जियों का जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ऑयल अब गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये जीरा, दाना मेथी और लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सा चटका लूंगी। देखिए जीरा अब हमारा चटक गया है। तो अब मैं इसमें कद्दू ऐड कर दूंगी। मैं अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए अब ये इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें यहाँ पर अमचूर को छोड़कर और बाकी ये सारे मसाले यहाँ पर डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और ये नमक। बस हमें अमचूर अभी यहाँ पे नहीं ऐड करना है। इन सारे मसालों को अच्छे से चम्मच चलाते हुए कद्दू की सब्जी में मिक्स कर लूंगी। मैंने इसमें अमचूर इसलिए नहीं अभी ऐड किया था कि अमचूर पहले से डाल देने में फिर इसे गलने में काफी टाइम लगता है। देखिए सब्जी में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे 3 मिनट के लिए लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तीन मिनट हो चुके हैं इसे लिड लग के पकते हुए, तो मैं अब इसे चेक कर लेती हूँ। तो अब ये हमारी सब्जी पहले से काफी टेंडर भी हो गई है। मैंने तो इसमें कोई भी पानी नहीं ऐड किया था। ये देखिए ये इसमें इसका खुद का ही पानी है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर ओपन ही ऐसे पका लूंगी, जिससे इसमें ये जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है, ये जो इसका पानी है, तो ये भी अच्छे से सूख जाएगा। तो ये हम हाई फ्लेम पर पक रही हैं, तो इसी बीच मैं इसमें मैंने जो अमचूर पाउडर बचा के रखा था वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अमचूर पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लिड लगा के इसलिए पकाया था कि जिसमें ये बस थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो हमें कद्दू की सब्जी ऐसी बनानी है कि ये अच्छे से गल भी जाए और उसके पीसेस भी घुले नहीं, ऐसे खिले खिले दिखते रहें। तो ये देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया है। देखिए इसका पानी बिल्कुल गायब हो गया है और ये देखिए सब्जी ने ये कैसे तेल छोड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है। आप इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आपका टेस्ट हो। अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना है तो आप इसमें मिर्च और ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार सब्जी बनती है, बहुत ही कम मसालों से बनी है और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मैंने इसे बस 3 मिनट लिड लगाकर पकाया था और 2 मिनट ऐसे ही मैंने इसे हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब देखिए हमारी कद्दू की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म लजीज कद्दू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल, ये हर चीज के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप मेरी इस मजेदार कद्दू की सब्जी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कद्दू की सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो
तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।